हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं खनिज लवण यानी कि मिनरल्स के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, मैं पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये 6 तत्व आते हैं। और दोस्तों, इन 6 पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ खनिज लवण यानी मिनरल्स क्या हैं, और इसके अंतर्गत आप रासायनिक अणुओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वह कैसे बना है। मनुष्य का जो शरीर है दोस्तों, वह रासायनिक अणुओं यानी कि तत्वों, केमिकल्स, कंपाउंड से मिलकर बना है। यह रासायनिक अणु यानी जो तत्व हैं, ये 2 या 2 से अधिक रासायनिक घटकों यानी कि केमिकल एलिमेंट्स के रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड से बना होता है। इसमें प्रत्येक घटक एलिमेंट्स का एक निश्चित अनुपात होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट नामक रासायनिक अणुओं में 3 रासायनिक घटक होते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा किससे मिलकर बने हैं, किन अणुओं से। तो 3 रासायनिक घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रासायनिक बंध के अनुसार इसका अनुपात C6H12O6 होता है, यानी 1:1 का अनुपात होता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 1:1 का होता है, आप ध्यान में रखिएगा। इन रासायनिक अणु जैसे कि दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से, 1:1 ही, C6H12O6। उसी प्रकार जो वसा होता है वह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अनिश्चित अनुपात से बना होता है। और जो प्रोटीन होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो प्रोटीन होता है वह अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्रोटीन में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इन रासायनिक अणुओं यानी कि केमिकल कंपाउंड्स को रासायनिक घटकों यानी कि केमिकल एलिमेंट्स के कारण 2 प्रकार में विशिष्ट किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, तो इन रासायनिक अणुओं को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रासायनिक अणुओं को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि दोस्तों, हमारा शरीर 21 तत्वों से मिलकर बना है। कितने? 21। इसी के अंतर्गत 2 भाग में बांटा गया है, जैविक यानी कार्बनिक अणु जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, दूसरा अजैविक यानी अकार्बनिक अणु जिसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों, जो जैविक अणु यानी कार्बनिक अणु होता है, इसमें कार्बन नामक घटक हाइड्रोजन के साथ रहते हैं। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है, तत्व होता है, जैविक अणु ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें 4 अणु होते हैं। इन 4 अणु जो हमारे मानव शरीर का 96% भाग इससे बना होता है। कितना? 96% भाग बना होता है। इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नाभिकीय अम्ल। ठीक है, और दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये चारों तत्व बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर। ठीक है, और हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65%, कार्बन हमारे शरीर में 18.5%, हाइड्रोजन हमारे शरीर में 9.5%, नाइट्रोजन हमारे शरीर में 3.2%, यानी पूरा मिलाकर के 96.2% भाग कार्बनिक यानी जैविक अणु ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, एंड 3.8% भाग अकार्बनिक अणु इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बात आपको अभी पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार 96.2% भाग कार्बनिक अणु यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नाभिकीय अम्ल यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, इन 4 तत्वों से 96.2% भाग हमारे शरीर का बना होता है। ये क्या होते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन, नाभिकीय अम्ल यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं इन्हीं से बनकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा बना होता है। यह क्या होते हैं? जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मैक्रो अणु होते हैं, यानी हमारे जीवन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, भाई आवश्यक होते हैं, जिसमें जीवित कोशिका की सूचना संग्रहित होती है। ठीक है, इसी से हमको ऊर्जा मिलती है, कोशिका व जीव की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। दोस्तों आप खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। यही कई न्यूक्लियोसाइड्स की कड़ी से बने हुए जटिल अणु होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस नामक घटक होते हैं। ठीक है, और इसमें डीएनए, आरएनए, एटीपी निहित जैविक अणुओं के मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, इस प्रकार कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नाभिकीय अम्ल से 96.2% हमारे मानव शरीर का भाग बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक अणु यानी कि अजैविक अणु, जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बनिक अणु में कार्बन होता है और इसमें कार्बन नहीं होता है अजैविक अणु यानी कि अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। यह हमारे शरीर, मानव शरीर में 3.8% भाग पाया जाता है। कितना? 3.8%। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैविक अणुओं से कितना बना है, तो 96.2% एंड अकार्बनिक यानी कि जो हमारे खनिज लवण है उससे कितना बना है, 3.8%। ठीक है, 3.8%, कभी कभी 4% होता है। ठीक है, 3.8 दिया रहेगा तो 3.8 सही होगा और 4 दिया रहेगा तो 4% सही रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि इसके अंतर्गत इस शरीर में उपस्थित मात्रा के आधार पर इसको बांटा गया है, तो अजैविक अणुओं को जिसमें खनिज लवण आते हैं इन्हीं को आज हमको पढ़ना है। इसको दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज लवण जिसे मैक्रो या मेजर मिनरल्स बोलते हैं, जो शरीर के लिए ज्यादा जरूरत होते हैं, इसको अधिभार तत्व यानी कि ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। एंड दूसरा बांटा गया है लघु खनिज लवण, जिसे माइक्रो मिनरल्स यानी माइनर मिनरल्स भी कहते हैं, इसे सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी ट्रॉस एलिमेंट्स भी या ट्रॉस मिनरल्स भी बोला जाता है। ये शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो मिनरल्स, जो शरीर को ज्यादा जरूरत होते हैं। इसके अंतर्गत कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत यानी कि जो हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यक होती है, इसके अंतर्गत कैल्शियम 1.5% आता है, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा 1.5% पाया जाता है, एंड फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3% एंड सोडियम 0.2% और क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1%। इस प्रकार जो मुख्य खनिज लवण है मैक्रो यानी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम है। इसको आप याद कर लीजिए कि हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी है, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1%। इसको 3-4 बार आप कॉपी पे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रो मिनरल्स, जिसे माइनर मिनरल्स जो लघु खनिज लवण होता है, जो ट्रॉस मिनरल्स भी बोला जाता है, ये हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होती हैं। ठीक है, शरीर को कम जरूरत होती है, जिसके अंतर्गत होता है आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सोलिनियम, फ्लोरीन। इन सभी के कार्य क्या है दोस्तों, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस प्रकार हमने समझा दोस्तों कि हमारे जो तत्व है, रासायनिक तत्व 21 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, जिसमें कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व आते हैं, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या जैविक अजैविक भी बोल सकते हैं। तो कार्बनिक तत्वों से हमारा शरीर 96.2% भाग बना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नाभिकीय अम्ल यानी कि कौन से तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 96.2% भाग बनाते हैं। एंड अकार्बनिक जिसमें खनिज लवण आते हैं, माइक्रो मिनरल्स ये हमारे शरीर का 3.8% भाग बनाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आता है
कि प्रत्येक व्यक्ति की शरीर का लगभग जो 99% भाग है वह 6 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि दोस्तों 4 तत्व कार्बनिक पदार्थ, जो 4 तत्व है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उससे 96.2% भाग है। लेकिन मुख्य खनिज लवणों में सबसे मुख्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कौन होता है? कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, इन 6 तत्वों से 99% हमारे शरीर का भाग बना होता है। ठीक है, इन 6 तत्वों से 99% भाग हमारे शरीर का बना होता है। और अलग अलग पूछेगा तो कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से 96.2% और खनिज लवण से 3.8% या 4%, ऐसे कह सकते हैं। और इस प्रकार से पूछेगा कि 99% भाग किससे बना होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस से। ठीक है, इस प्रकार हमने समझा दोस्तों कि हमारा शरीर 21 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कार्बनिक तत्वों से 96.2% अकार्बनिक तत्वों से 3.8% भाग बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन सबका खनिज लवण में यानी कि कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम सल्फर सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट कॉपर जिंक आयोडीन क्रोमियम मॉलिब्डेनम मैग्नीज सोलिब्डेनम फ्लोरीन का क्या कार्य है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और बने रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए डिटेल में और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। दोस्तों इसको पूरा करने के बाद इस सब पर मैं MCQs भी लाऊंगी, इसलिए आप डेली बेसिस से बने रहिए। एंड दोस्तों जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उस डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।